जानिए होली के लिए घर पर कैसे बनाएं प्राकृतिक रंग। कई लोग होली केवल इस वजह से नहीं मनाते क्योंकि उन्हें केमिकल युक्त रंगों से त्वचा या आंखों के खराब होने का डर लगता है। ये रंग बालों को भी नुकसान पहुंचाते हैं, जो कई बार गंभीर रूप भी ले लेते हैं। इनसे बचने का सबसे अच्छा उपाय है होली खेलने के लिए प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल करना। आजकल बाजार में प्राकृतिक रंग भी आसानी से उपलब्ध होते हैं। हाँ, ये जरूर है कि रसायन युक्त रंगों की तुलना में ये थोड़े महंगे होते हैं। अगर आप सिर्फ महंगा होने के कारण इन रंगों का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, तो हम आपको बताना चाहेंगे कि आप लगभग हर प्राकृतिक रंग आसानी से घर पर ही बना सकते हैं, और वो भी बेहद कम कीमत पर। कैसे? तो चलिए आपको बताते हैं इसे बनाने के कुछ आसान तरीके। पीला, बेसन और हल्दी दोनों को अच्छी तरह मिलाएं। आप बेसन की जगह आटा या मुल्तानी मिट्टी का उपयोग भी कर सकते हैं। लाल, होली में पीले के बाद सबसे अधिक लाल रंग इस्तेमाल होता है। ये भी कई तरीकों से बनाया जा सकता है। लाल गुलाब की पंखुड़ियां सुखाकर या किसी अन्य लाल रंग के फूल को सुखाकर रख लें। इस्तेमाल से एक रात पहले उसे पानी में घोलकर पूरी रात रखें। आप चाहें तो इन पत्तियों के पाउडर को गुलाल की तरह इस्तेमाल करें। रक्त चंदन पाउडर को भी गुलाल की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। ये त्वचा पर कोई बुरा प्रभाव नहीं डालता, बजाय इसके होली खेलने के बाद आपको निखार मिलेगा। अनार के छिलकों को उबालकर भी लाल रंग मिल सकता है। गुलाबी रंग, इसके लिए चुकंदर से सस्ता उपाय आपको नहीं मिलेगा। सुनहरा गुलाबी रंग बनाने के लिए चुकंदर को पानी में डालकर खूब उबालें और छानकर इस्तेमाल करें। इसके अलावा उबले हुए चुकंदर को चंदन पाउडर में मिलाकर आप इस पेस्ट को भी रंग की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। हरा रंग, मेहंदी पाउडर को आटे में मिलाकर हरा रंग पा सकते हैं। नीम की पत्तियों को उबालकर या हल्दी में नील मिलाने से भी हरा रंग मिलता है, जो त्वचा के लिए बिल्कुल हानिकारक नहीं होता। केसरिया, संतरे के छिलकों या गेंदे के फूलों को धूप में सुखाकर आप प्राकृतिक संतरी या केसरिया रंग पा सकते हैं। खुशबूदार केसरिया रंग चाहिए तो केसर को कुछ देर पानी में उबालें। नीला, इसके लिए नील का इस्तेमाल कर सकते हैं। बैंगनी, जामुन के बीजों को पानी में उबालें, नीले गुड़हल के फूलों को सुखाकर पीस लें और पानी में घोलकर इस्तेमाल करें। काला या गहरा रंग, चाय या कॉफी को उबालकर ठंडा कर लें या काले जामुन को पीसकर पानी में मिला लें। तो इस बार होली पर अपनी जेब मत खर्च कीजिए, कुछ क्रिएटिव कीजिए। बच्चों को होली से पहले प्राकृतिक रंग बनाने की विधि बताएं और उनका ज्ञान बढ़ाएं। आपका एक कदम एक सुरक्षित होली के साथ प्रकृति के लिए भी उपहार साबित होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल।